औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आगामी 3 मई को होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह समारोह को राज्य शासन के आदेशों के विलंब के चलते नगरीय प्रशासन द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया। ऐसे में उन परिवारों की मुसीबत बढ़ गई जिन्होंने इस योजना में अपने बच्चों की शादी करना तय किया था। वहीं ऐसे में कामगार कांग्रेस ने इन परिवारों को सहारा देते हुए आगामी 3 मई को इन जोड़ों का विवाह संपन्न करवाने का फैसला किया है। ऐसे परिवार जिन्होंने आगामी 3 मई की शादी को लेकर अपने रिश्तेदारों में आमंत्रण पत्र बांट दिए हैं, वहीं कुछ वर वधु को हल्दी मेहंदी भी लगना शुरू हो गई है। कामगार कांग्रेस 3 मई अक्षय तृतीया को ही प्रीथमपुर के प्राचीन भुवनेश्वर महादेव मंदिर पर सामूहिक विवाह समारोह सम्मेलन का आयोजन रख इन लोगों का विवाह संपन्न कराएगी। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। बताइए क्या आपकी समस्या? मेरी हमारी परेशानी ये है कि हमने पीथमपुर में सम्मेलन हो रहा था, इससे हमने सामने वाले की क्षमता नहीं थी कि वो शादी कर सके अभी, और ना हमारी क्षमता थी। पर सम्मेलन का सुन के हम लोगों ने सामने वाले से भी बोला कि सम्मेलन हो रहा है तो करें, और हमने भी सोचा कि इनकी शादी कर देना चाहिए। और हमने सब शादी के लिए कार्ड छपवाए, सब पत्रिकाएं बढ़ गई, लगन लिखा गई, हल्दी मेहंदी सब घर में आ चुका हैगा। और शादी अब सामने वाले ने बोल दिया कि शादी की तारीख चेंज हो गई, अब हमने कार्ड बढ़ दिए हैं, सब कार्ड बढ़ गए, मेहंदी हल्दी घर में आ गई। कैंसिल होता, कोई मर जाता है तो भी शादी कैंसिल नहीं होती क्योंकि घर में लगन लिखा के आ गई है। और ये लोग बोल रहे हैं कि शादी अब आगे बढ़ा दे, कैसे बढ़ा रहे हैं हम इसको शादी को? और कार्ड सब बढ़ चुके हैं, हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारे घर में हमारी मम्मी बुजुर्ग है, मेरी बहन की शादी है, और उसमें मैं और मेरे हस्बैंड दो ही जने हम दौड़ने वाले हैं, बाकी हमारे घर में कोई दौड़ने वाला भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राखी पथरिया। क्या है आपकी समस्या? समस्या क्या है सर, ये कि मतलब शादी का पत्रिका वत्रिका छपा थी, पीथमपुर नगर पालिका से घोषित हुआ था कि सम्मेलन है, सम्मेलन में करना चाहते थे, अब सम्मेलन स्थगित हो गया। तो उसके बाद कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई हम हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ आ जाओ, हम करवा रहे हैं, इसके अलावा क्या करें, हम तो परेशान लोग हैं, गरीब आदमी कहाँ कहाँ से लाए, पैसे कैसे लाए हम जानते हैं, अब ये लोग तो कहीं आके दे नहीं रहे हमको, तो अब क्या करें। इसलिए फिर हम इधर आए तो इन्होंने कहा कि चलो टेंशन मत रखो, हम हमारे हिसाब से कुछ भी जैसा बनेगा हमारे हिसाब से हम करते हैं। आपका नाम मत? मेरा नाम राजेश। लड़के क्या का? शैलेश। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 3 तारीख को यहाँ 3 मई को विवाह होने वाला था सम्मेलन, जिसकी जोर शोर से तैयारी नगर पालिका क्षेत्र ने होर्डिंग लगा लगा के, स्पीकर साउंड सिस्टम लगा लगा के प्रचार करा, और 3 तारीख का सम्मेलन एंड टाइम पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इसी कैंसिल करने पर जो गरीब लोग पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र इतने सब वार्ड के लोग हैं, ये लोग परेशान हैं। पत्रिका छप चुकी है, लोगों के यहाँ मांडवे पूजा गए हैं, हिंदू धर्म के अंदर पत्रिका मुहूर्त निकालने के बाद में शादी कैंसिल नहीं होती है, अब इन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी है, इस कारण आज सब परिवार परेशान है। तो इसी कारण कांग्रेस कामगार जिलाध्यक्ष विनोद पवार में मेरी तरफ से और सभी संगठनों की तरफ से हम पूरे संगठित होके सब लोग इस विवाह की जवाबदारी लेते हैं, और भुवनेश्वर मंदिर पर जितने भी जोड़े हमारे पास एंट्री होंगे, फार्म भराएंगे, उनके शादी का सारा जवाबदारी हम लोग लेते हैं। कामगार कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद पवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।